हे गाइस कैसे हो आप लोग दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक यूनिकॉर्न सेल्फ यूनिक गाइस आप में से बहुत ऐसे बच्चे थे जिनको स्ट्रक्चर का एक ऐसा सलूशन चाहिए होता था कि सर इसको पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर का मेरा सारा काम हो जाए चाहे मैं कंसल्टेंसी खोल रहा हूं या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो उसके लिए मैंने एक बेस्ट सलूशन बना दिया दैट इज ऑल इन वन थैंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया उसको इतना कि जितना मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था सच बता रहा हूं लेकिन आप लोग एक दूसरे को रिफर करते गए इतना करते गए कि क्या बताऊं अब बात आती है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो कि डिप्लोमा में हैं या फिर बीटेक में हैं उनको स्ट्रक्चर में नहीं जाना है उनको स्ट्रक्चर में नहीं जाना कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो अब ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है क्या जिसके माध्यम से वो बेस्ट कैरियर अपना बना सकते हैं यस उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कई लोग को तो पता होगा कि बीम होता क्या है पर थोड़ा सा समराइज कर देता हूं बीम मतलब होता है गाइस आसान भाषा में बताता हूं जो आप साइट पर करने वाले हो उसको पहले लैपटॉप में कर लो मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वो सारा काम कर लो जो आप साइट पर करने वाले हो उससे क्या फायदा होगा जो प्रॉब्लम्स होगी यहीं पर फेस कर लेंगे चाहे प्रॉब्लम होगी पैसे की या फिर प्रॉब्लम होगी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होगी गार्डनिंग की प्रॉब्लम होगी किसी भी अन्य प्रकार की वो सब कुछ लैपटॉप पे देख लो ना क्योंकि साइट पर वही चीज करके देखोगे तो महंगा पड़ेगा तोड़वाने में लेकिन यहाँ पर लैपटॉप पे डिलीट करना है बस तो दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड बीम इसका एक घंटे का कंप्लीट वेबिनार बहुत पहले मैंने लिया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं एक बार जाके देख लेना अब यहां पर मैंने लिखा था कि सरप्राइज क्या सरप्राइज है तो गाइस जैसे कि बीम को मैंने बहुत ऑल इन वन को बहुत एडवांस लेवल पे ले आ दिया कोशिश यही थी कि और करूं और अभी और भी प्लानिंग है ऑल इन वन के लिए बाद में बताऊंगा बट अभी बीम के लिए क्या प्लानिंग है बीम को गाइस हम लोग थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं बीम में अभी तक हमारा जो सिलेबस था वो था रेविट आर्किटेक्चर रेविट स्ट्रक्चर रेविट MEP और उसके साथ ही साथ नेविस वर्क और स्केचअप अब प्रॉब्लम यह है कि कई जगहों पर ऐसा है कि वो लोग थोड़ा सा हाई लेवल के डिमांड करते हैं ठीक है तो हमने कहा कि जब वो हाई लेवल के डिमांड मार्केट कर रहा है तो हमें उससे भी ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाना चाहिए तो क्या अपग्रेड किया हम लोगों ने गाइस अब बीम के कोर्स में आपको टेक्ला मिलेगा टेक्ला स्ट्रक्चर्स आप लोग देखोगे बीम की जितनी जॉब देखोगे मैक्सिमम में टेक्ला की रिक्वायरमेंट रहती है राइट तो वो टेक्ला हम लोग ऐड कर देने वाले हैं बीम के कोर्स के अंदर टेक्ला स्ट्रक्चर्स उसके साथ ही साथ 3ds Max आप लोग में से कई ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि इंटीरियर के लिए बीम में जो अच्छी रेंडरिंग करना है रेविट में कोई मॉडल बनाया उसकी अच्छी रेंडरिंग करना है अच्छी लाइटिंग लगाना है उसके लिए कोई अच्छा सलूशन नहीं रहता है तो भाई सलूशन अब आ चुका है दैट इज 3ds Max ऐड कर दे रहा हूं और भी ऐसे बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो कि कोशिश करते हैं कि यार मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है मैं प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ जा सकता हूं प्रोजेक्ट प्लानिंग अच्छा कर सकता हूं तो उनके लिए भी वो तो बीम का ही पार्ट है ना तो बीम में ही MSP ऐड करने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ये जनवरी के आसपास ऐड होगा क्योंकि अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है MSP में टाइम लगेगा बाकी टेक्ला और 3ds Max तो बहुत जल्दी होने वाला है इसके साथ इतना ही नहीं रख रहा हूं इसके साथ LOD क्या होता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा डीप में समझाने वाला हूं भाई ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है इसके लिए कौन कौन से रिसर्च हुई है कौन कौन से रिसर्च होने वाली है थोड़ा डीप में चल के आपको समझाऊंगा इसके बारे में डीप में उससे आइडिया लगेगा अच्छा बीम कहाँ है बीम में इंटरनेशनली क्या क्या काम चल रहे हैं नेशनल लेवल पर मतलब इंडिया में क्या क्या अपग्रेडेशन हुई है सब LOD के अंदर इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं इसके साथ ही साथ गाइस मतलब अभी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कॉमन सॉफ्टवेयर है आप सबको पता होगा उस सॉफ्टवेयर के बारे में दैट इज AutoCAD राइट बिना AutoCAD के सब कुछ अधूरा था इसलिए मैंने कहा कि हम AutoCAD को भी इसके अंदर ऐड करेंगे चलिए सब कुछ ऐड हो गया अब लास्ट पायदान आता है कि भाई हमने रेविट आर्किटेक्चर पढ़ लिया रेविट स्ट्रक्चर पढ़ लिया रेविट MEP पढ़ लिया नेविस वर्क पढ़ लिया स्केचअप पढ़ लिया AutoCAD पढ़ लिया टेक्ला पढ़ लिया 3ds Max पढ़ लिया MSP भी पढ़ लिया अब सर AutoCAD तो आ गया तो अब सर इसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें तो इसके लिए सेपरेट एक सेक्शन बनाने वाला हूं जिसके अंदर जॉब्स यानी कैसे जॉब को फाइंड करना है जॉब के लिए CV कैसे बनाना है पोर्टफोलियो कैसे बनाना है हाई लेवल का और इसके साथ ही साथ अगर कोई ऐसा है जो कि अभी से मतलब जब कोर्स स्टार्ट किया या फिर जब से आपको रैबिट अच्छे से आ गया कुछ फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहता है वैसे तो फ्रीलांसिंग के ऊपर कल एक वीडियो आने वाला है आज बन जाएगा कल अपलोड शायद हो जाएगा कि फ्रीलांसिंग करते कैसे बट इस कोर्स के अंदर सेपरेट बताने वाला हूं कि अगर आपने
कोई फ्रीलांसिंग साइट्स जैसे कि अपवर्क है या फिर freelancing.com है या फिर fiverr.com है, इस पर से कैसे अपना बेस्ट पोर्टफोलियो बनाऊं और कैसे पैसे अर्न कर सकता हूं, मतलब खुद का भी काम करना है तो भी ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। और साथ इसमें ये भी बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन द सेंस जो सिंपल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं, जस्ट आप अपने काम को कैसे अचीव करो मार्केट से वो बताऊंगा इस कोर्स में। और साथ ही साथ सीवी वगैरह कैसे बनाएंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, कवर लेटर कैसे बनाएंगे, जिससे कि जहां अप्लाई करो वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए। गाइस अब क्या चाहिए इससे एडवांस, तो मतलब मुझे लगता है काफी एडवांस मैंने कर दिया, हो सकता है और हो सकता है अभी तक तो मैंने ये सोचा, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि सर बीम के कोर्स को थोड़ा एडवांस कर दीजिए, तो इसमें भाई अब इतना सब कुछ आ गया है, डीप सिलेबस मतलब पूरा इसका सिलेबस जो है वो, और प्लस कोर्स की लॉन्चिंग आज नहीं है, आज एक फेस्टिवल है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं आज के फेस्टिवल के दिन ये लॉन्चिंग कर रहे हैं, मतलब लॉन्चिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। दिवाली एक फेस्टिवल है, दिवाली के दिन ये कोर्स पूरी तरीके से लॉन्च होगा, दिवाली के दिन एक कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपको कि भाई क्या क्या अपग्रेड हो रहा है, और साथ ही साथ ये पूरी लॉन्चिंग भी हो जाएगी। मेरे कई ढेर सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर मैंने तो पहले कोर्स कर लिया मेरा लॉस हो रहा होगा, नहीं, किसी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, आप सबको ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, टिकला भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 3ds Max भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और MSP भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जॉब के लिए जो गाइड बताऊंगा वो भी आपको फ्री मिलेगा, फ्रीलांसिंग की भी जो बारे में बताऊंगा वो भी फ्री मिलेगा, LOD भी फ्री मिलेगा। सो जिन लोगों ने कोर्स को सब्सक्राइब कर रखा है उनको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिन्होंने लाइव बैचेस लिया उनको भी कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब ये वीडियो मैं आज क्यों बना रहा हूं, लॉन्चिंग तो दिवाली के दिन है, ठीक है, तो आज क्यों बना रहा हूं, आज इसलिए बना रहा हूं कि अभी जिसको भी चाहिए वो इस कोर्स को अभी से सब्सक्राइब कर लो। रीजन ये है कि अभी इसकी फी बहुत कम है, ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है कि टेक्ला भी ऐड करूंगा, 3ds Max भी ऐड करूंगा, MSP भी ऐड करूंगा, AutoCAD भी ऐड करूंगा, तो फी इसकी हाई हो जाएगी, तो भाई फी हाई हो जाएगी तो मैं अपने ओल्ड जितने मेरे लाइक रियल सब्सक्राइबर हैं जो डेली मेरे वीडियोस को देखते हैं उनका बेनिफिट हो, इसलिए मैं आज ही इन्फॉर्म कर दे रहा हूं, जिसको भी सब्सक्राइब करना है BIM में, जिसको कैरियर बनाना है डीप लेवल पे, दिवाली के दिन लॉन्च हो रहा है तो अभी से आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका जो एक्स्ट्रा फी लगेगा, एक्स्ट्रा इन द सेंस जो ये टेक्ला वगैरह के लिए, 3ds Max वगैरह, MSP के लिए जो फी लगेगा इसका कोई चार्ज नहीं है, ये सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा। प्लस जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर है आप टेंशन मत लेना, आपका कोर्स ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, आप वहीं देखो क्या रे अपग्रेड हो गया, दिवाली के दिन ये गिफ्ट मिलने वाला है आपको, सरप्राइज पटाखा फोड़ेंगे। लेकिन अभी जितने लोग हैं जिनके माइंड में है कि सर क्या बोलते हैं ज्यादा फी वगैरह लग सकता है, या थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कोई फी मेरे ज्यादा है ही नहीं, आप सबको पता है, तो अब थोड़ा बहुत जो पढ़ाऊंगा अगर आप चाहते हो वो भी ना लगे तो आज के दिन ही उसको आप क्या कर लो, आज मतलब दिवाली के पहले ही आप क्या कर लो उसको ले लो, जिससे कि दिवाली के दिन जो भी महंगाई बढ़े, मतलब महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी, जो भी बढ़े उसका आपके ऊपर प्रभाव न पड़े, बस ये बताने के लिए इस वीडियो को बनाया हूं। MSP माइक्रोसॉफ्ट पहले से क्लियर कर दे रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को अप्रॉक्स जनवरी के आसपास अपलोड करूंगा, 3ds Max और टेक्ला जब तुरंत ही अपलोड हो जाएगा, LODs भी तुरंत अपलोड हो जाएगा, जॉब गाइड भी तुरंत ही अपलोड हो जाएगा, तो ऐसी अपनी प्रिपरेशन है। मेरा ये कैसा लग रहा है इनिशिएटिव प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एक चीज और चाहता हूँ, ऑल इन वन कोर्स को बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, PM के कोर्स को भी बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, आपको कुछ लगता है कि सर ये चीज कर दीजिए तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है, देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं नहीं मानता हूं, तो अगर आपको लगता है कुछ भी तो मेरा नंबर है 9792621121, इस पर मुझे व्हाट्सएप में आपको कुछ लगता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए, अच्छा है या बुरा है, या फिर सर क्या कर दें कि और अच्छा हो जाए, प्लीज मुझे एक बार पिन करो ना, इतना थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम अगर आप निकालोगे तो हम उस पर क्या करेंगे वर्क करेंगे, क्योंकि देखो ऑल इन वन के लिए आप लोगों ने सजेस्ट किया कि सर ईडीएफ जोड़ दीजिए, सेव जोड़ दीजिए, मैंने किया, स्टैट जोड़ दीजिए, मैंने किया, बीइंग के लिए भी बच्चे भी मुझे मैसेज कर रहे, कल भी मैसेज किए थे, आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो गाइस, क्यों दिन भर में आप लोगों को ऐप पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कई लोगों को डाउट लेक्चर में वहां पर समझाता हूँ, तो आप लोग से एकदम कनेक्टिविटी हो गई, तो मैं चाहता हूँ कि इस कनेक्टिविटी में हमें आप थोड़े से गाइड भी करिए, गाइड इन सेंस जस्ट बताइए कि सर ये चीज कर दीजिए और बेहतर हो जाएगा, हर कोई बेहतर का प्रयास करता है, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं सोचता हूँ डेली क्या नॉलेज लूँ कि और मेरी अपग्रेडेशन हो,
तो अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली सजेस्ट कर सकते हैं कि सर ये कर दीजिए तो और बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज। और साथ ही साथ मेरे जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं आप लोग अपना व्यू जरूर शेयर करना, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। और प्लस जो लोग अभी सोच रहे हैं कि सर बीम लेना है मुझे, जाओ फटाफट ले लो यार, दिवाली के पहले ले लेना, दिवाली के दिन ये जो आपका बता रहा हूँ अपडेट ये आपके ऐप में ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जो दिवाली के दिन लेंगे उनको तो पहले से ही शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद जय भारत। मेरा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, कुछ और भी आपके पास है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, आपका कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ यार अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों का बेनिफिट हो रहा है। बाकी चल रहा हूँ अभी जॉब्स गाइड वाले चैनल के लिए, एक बहुत अच्छी ओपनिंग आई हुई है उसको अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, वहां जाके देखना जॉब्स गाइड वाले चैनल पे जॉब्स एक ओपनिंग आई हुई है, स्ट्रक्चर की आई हुई है, आप लोग जाके वहां पर देख सकते हो, एक दो घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।